देखिए स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सीखा, हमने समझा किस तरह से करंट होता है, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखिए अब ये समझने की बारी है कि सीरीज और पैरेलल पर बेस्ड नीट और जेडब्ल्यू मेंस में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए। नीट एग्जामिनेशन में बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं उसकी शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल इज गिवन। देखिए यहां पर कहा गया है 4 ओम 4 ओम 4 ओम ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज किए गए हैं। आपको क्या बताना है, किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में, जैसे ये ए और बी है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो भी दो टर्मिनल है उन दो टर्मिनल के बीच में सेल या बैटरी कनेक्ट करना है। अच्छा, सेल या बैटरी अपनी मर्जी से कनेक्ट करना है। सर ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि करंट कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, करंट के दो पार्ट हो गए, एक करंट का पार्ट हो गया I1, दूसरा करंट का पार्ट हो गया I2। अब चेक करना, ये I2 वाला पार्ट है, यहां से आया I, दो पार्ट में कट हुआ, ये वाला I1 और ये I2। तो यहां पे I2 मतलब टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, चेक कीजिएगा, बताइएगा टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है। तो टर्न हो रहा है मतलब यहां पे, तो यहां ब्रेक हुआ पर यहां टर्न हुआ। अच्छा, टर्निंग मतलब यहां से भी I2 तो यहां से भी I2, और जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या पैरेलल। तो करंट सेम होने पे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो 4 ओम प्लस 4 ओम, तो मैं कह सकता हूं सीधा सीधा ये 4 ओम है और 4 ओम प्लस 4 ओम कितना आया, तो 4 प्लस 4 8 आया। अब ये आया आपके पास में 8 ओम। अब ये देखिए दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहे हैं, दिखने से भी ज्यादा यहां से करंट आई आया। आई करंट के दो हिस्से, पहला I1 दूसरा I2। अच्छा, आई करंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ, पहला I1 और दूसरा I2। तो 8 और 4 ओम क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए या सीरीज कॉम्बिनेशन में आए, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए। तो 1 upon RP = 1 upon R1 + 1 upon R2 = 1 upon 4 + 1 upon 8। एक तो ऐसे सॉल्व करो, या जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं 1 upon R1 + 1 upon R2, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो RP = R1R2 upon R1 + R2। ओके, तो आइए R1 कितना चेक कीजिए, 4 × 8 और 4 + 8, तो ये आता है 4 × 8 / 12, 4 × 3, तो आंसर आपके पास में आता है 8/3। सो 8/3 विल बी द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव